अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दिखा रही हूँ आपको इमली का प्लांट, और ये बहुत प्यारा इमली का प्लांट है मेरे पास। और इमली का हम पल्प यूज़ करते हैं मोस्टली हम खानों में, और उसकी जो गुठली होती है, जो सीड्स होते हैं उसके, वो हम फेंक देते हैं। उसको अगर आप ओवरनाइट पानी में डिप करके रख देंगे तो वो थोड़ा सा फूल जाएंगे वो सीड्स, और उनको फिर आप सॉइल में लगा दीजिए, या फिर डायरेक्टली आप लगा दें तो भी प्लांट निकल जाता है। ये मैंने इसी तरह से लगाए थे। इसमें दो तीन प्लांट्स इस पॉट में बने जो कि मैंने अलग अलग कर दिए हैं, और इस पॉट में अब एक ही प्लांट है। और ये बहुत प्यारा लगता है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, क्योंकि वो फौरी रिजल्ट आ रहे होते हैं ना, कि हमने सीड्स लगाए तो फौरी प्लांट भी बन जाए, या फिर ऐसा प्लांट हो जो कि उसकी केयर ना करनी पड़े, खुद ब खुद वो प्लांट ग्रो हो जाए और चलता जाए, ख़राब ना हो। तो ये इमली का प्लांट जो है बहुत इजी टू ग्रो है, और ये ख़राब भी नहीं होता, केयर भी नहीं करनी पड़ती आपको। और इसकी अब देखें, मैंने भी इसमें कोई ख़ास इस कोई चीज़ नहीं डाली भी, कोई फर्टिलाइज़र, कोई पानी का भी बाजफा नहीं भी डालती मैं इसमें, बट ये चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, और आपके सामने है, बहुत अच्छा लगता है। ये प्लांट भी बाकी प्लांट्स की तरह है, और आपके गार्डन को ग्रीनरी तो देता ही है, बट ये खूबसूरती भी ऐड करता है। आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह के लीव्स हैं इसके। और ये यहाँ से, ये देखिए इस पॉट में है, और ये नीचे से ये ऊपर तक जा रहा है, और ये मज़ीद इसमें अभी इसकी ये शूट्स आई हुई हैं। बहुत अच्छा है, आप भी ज़रूर लगा के देखें।